व्यूअर, साथ में सैलेड हमने दाल चावल के साथ देनी है। तो ये मैंने इमली का ये पल्प निकाला हुआ, इसको अब मैं छान के, तो जितना मुझे रिक्वायर्ड होगा मैं इस्तेमाल करूँगी, बाकी मैं बॉटल में डाल के तो फ्रिज में रख दूँगी। एक ये है 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चाट मसाला, जो कि मैंने बहुत बार आपको बताया कि मैंने घर में बनाया हुआ और बनाना भी आपको मैंने बताया हुआ है। ये है कैबेज, बंद गोभी, आइसबर्ग, गाजरें, खीरे, ये 2 लेमन, शिमला मिर्च 2 कलर्स की, ऑरेंज और रेड, चाहें तो आप ग्रीन का भी इस्तेमाल साथ में कर लें। एक अनियन है, एप्पल है और 3 टमाटर हैं। तो बस इसको हमने जो आइसबर्ग है उसको तो हमने हाथ से ही तोड़ना होगा, और बाकी चीज़ें गाजरों को पील करके तो फिर हमने इसको इस तरह स्लाइसेस में या स्क्वायर्स में जिस तरह भी हो काट लें, इसी तरह खीरों को काट लें, छिलके आपकी मर्ज़ी है उतारें या ना उतारें, मैं तो कोशिश करती हूँ कि ना ही उतारूं। और ये इनको भी डाइस कर लें, प्याज को भी और शिमला मिर्च को भी और इसको भी, एप्पल को भी और टमाटर भी। तो ये जब कट जाएंगे तो फिर मैं आपके सामने इसमें मसाला ऐड करूँगी। देखिए व्यूअर्स, ये मैं एक बोल में, ये मैंने 2 लेमन स्क्वीज़ कर लिए, इसमें मैं इमली का पानी, ये जो पल्प निकाला ये मैं ऐड करूँगी। डेजर्ट स्पून 3, इसमें काली मिर्चें मैंने 1/2 टीस्पून ली थी, मैं उसका भी हाफ पहले इस्तेमाल करूँगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं और ऐड करूँगी। नमक 1 टीस्पून है तो ये पूरा जाएगा। ये इसकी ड्रेसिंग बना रही हूँ मैं सैलेड की, और ये चाट मसाला। ये अच्छी सी इसकी ड्रेसिंग हो गई, जैसे सलाद में हम काट लेंगे तो उसके बाद इसको ऊपर स्प्रेड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। ये देखें, आप अपने टेस्ट के मुताबिक देखिए, अगर आपको लेमन या नमक या मिर्चें अगर आपको चाहिए, चाट मसाला और चाहिए, इमली का पल्प चाहिए, आप अपने हिसाब से देखें। देखिए व्यूअर्स, इसको आधा पौना घंटा हो चुका मैरिनेट हुए, तो अब मैं ये ऐसे पीस उठाऊंगी, इसको पहले मैदे में डिप करूंगी और कोटिंग करूंगी मैदे की, उसके बाद मैं इस पर क्रम्स लगा लूंगी। ये देखिए, अच्छी तरह आपने कोटिंग करनी है, इससे ये है कि मछली क्रिस्प बनती है। आप चाहें तो आप वैसे भी फ्राई कर सकते हैं मछली को, लेकिन मेरे घर वाले थोड़ी सी क्रिस्पी पसंद करते हैं तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। हमारे इलाके में तो वैसे ही फ्राई की जाती है और वो बहुत जूसी और सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त होती है वहाँ की, क्योंकि दरियाए सिंध उस इलाके में बहता है और वहाँ की वो मछली होती है, जो कि अब तो डेरी खान में कम ही मिलती है, वो और शहरों में ज़्यादा जा रही है, लेकिन वो बहुत मछली लजीज होती है और वहाँ के एक हैं ख़ास शाहजी की मछली, तो बहुत ही लाजवाब होती है। उनका तो इतना होता है कि बस उनका तो बस टाइम से ही उनके पास जाना पड़ता है और पहले से बुकिंग करानी पड़ती है, नहीं तो मछली फिर मिलनी नायाब होती है, मुश्किल होती है। तो इस तरह मैं सारे ये लगा लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मछली पे ये मैदा और क्रम्स लगा लिए, अब इसको फ्राई करेंगे, और इसमें अब मैं वो ड्रेसिंग जो बनाई हुई थी वो मैं डाल दूँगी। ये देखें, सिरके का इस्तेमाल इसमें मैंने नहीं किया, लेमन और इमली का पल्प है। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैंने बचा दिया, अगर जिसको ज़रूरत होगी तो वो ऐड कर लेगा अपनी प्लेट में, और इसको ऐसे मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स करके, और रेडी टू ईट है ये। व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो गया और मैं 1 बाय 1 इसमें मछली डालूंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं इसको कढ़ाई को नहीं भरूंगी,
बस पांच पीसेस मैंने डाले, और जब इसकी एक साइड पक जाएगी, गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तो मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। और इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता पकने के लिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसको पका लेते हैं, जिससे वो जूसी नहीं रहती है और बहुत ही ऐसे रूखा रूखापन उसमें आता है। तो इतना पकाएं कि अंदर से पक जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर से सख्त नहीं होनी चाहिए, इसको सॉफ्ट होना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगी कि पके हुए की क्या निशानी होती है। ये देखें, इसकी साइड मैं चेंज कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन हो गई है एक साइड। देखें, दूसरी साइड भी पक जाए, फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी, फिर फाइनल हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, हमारा डिनर तैयार है, और सैलेड, बॉयल्ड राइस, दाल और फिश। तो आज मैंने सोचा कि जिस तरह हम रोज़ाना खाते हैं, तो आज आपको, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा थी, किचन में दिखाना आपको मुश्किल हो रहा था, तो जिस तरह हम डेली रूटीन में हम खाते हैं, तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ अपना डाइनिंग रूम भी मैं शेयर कर दूँ। मेरी छोटी की डाइनिंग चेयर भी वहाँ पे रखी हुई है, और हम माशाल्लाह से घर के 7 अफराद हैं। और देखिए, एक चेयर हमें एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है, तो ये हमारी छोटी गुड़िया भी यहाँ पे बैठेगी, और हमारा जो गुड्डा है वो भी बैठेगा। तो देखिए, मैं आपको फ़िश दिखा दूँ कि ये देखिए, ये फिश, और आपको आवाज़ आ रही होगी, देखें किस तरह कड़क है। और इसका जो आपको मैं बता दूं कि इसका तरीका ये है कि मैं अपनी प्लेट में रखती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह अंदाज़ा होता है कि ये पक चुकी है। इसको मैं जब तोड़ूँगी, ये देखें, ये बिल्कुल, इसका ये जो वाइट पार्ट है, ये देखें आप, जूसी भी है, पका हुआ भी है। इसके ये जो लैशेस हैं, ये अलग अलग ऐसे होते हैं, ये देखें, तो ये बिल्कुल अंदर से पक चुकी है और जूसी भी है। हमारा आज का डिनर, जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, हैं सिंपल सी चीज़ें, वही सैलेड जो सभी बनाते होंगे, फ़िश भी सब फ्राई करते होंगे, दाल चावल भी हर घर में बनते होंगे, तो नए सीज़न की नई फ़िश थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो आप जिस तरीके से करते हैं फ़िश बनाते हैं, हर एक का अपना तरीका होता है। बहरहाल, मेरे घर वाले इसी तरह पसंद करते हैं, थोड़ी सी क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी। तो इससे पहले कि मैं इजाज़त चाहूँ, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिए। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।